बात ग्वालियर की करते हैं। कांग्रेस नेता रामनिवास रावत पर एफआईआर हुई है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन करने का मामला है। बहोड़ापुर थाना के क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां मामला दर्ज किया गया। रामनिवास रावत जिन पर एफआईआर दर्ज की गई, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत। नासिर गौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नासिर, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, क्या था मामला? देखिए, कुछ दिनों पहले, लगभग एक सप्ताह पहले, जब गोरखपुर थाना में इन्होंने जो उनके प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके समर्थन में एक लोगों के साथ में एक जनसभा की थी, उसी को लेकर इसकी शिकायत भी की गई थी। और रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा कहा गया कि हाईकोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद भी जो नेता है उनकी भीड़, उनकी सभा में भीड़ कम नहीं हो रही है और कोविड-19 का उल्लंघन किया जा रहा है। तो जिसके चलते भोड़ापुर थाना पुलिस ने आज दो धाराओं के तहत रामनिवास रावत के ऊपर मामला दर्ज किया है। रामनिवास रावत मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी है। तो जिस तरह से लगातार मतलब ग्वालियर चंबल अंचल में देखा जाए तो अब नेताओं पर एफआईआर होना शुरू हो गई है, कोविड की गाइडलाइन को उल्लंघन करने के चक्कर में हो गई है। कल नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ हुई थी, उससे पहले कई और बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब तक लगभग आधा दर्जन एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जिन नेताओं ने कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये सारी एफआईआर हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज की जा रही है। शुक्रिया नासिर इस तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एक सभा की थी, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का मामला उन पर दर्ज हुआ है।